बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईरानी चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपको पता है इंडिया में ज़्यादा 60-75% लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, लेकिन हम फिर भी दूध की चाय पीते हैं। इस तरह डिकॉशन बनाकर फिर हम इसमें दूध ऐड करने से इससे लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब चाय पीने के बाद पेट में बदहजमी होती है या फिर कुछ साउंड्स आते हैं, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो हम सब इंडियंस के लिए ईरानी चाय बहुत परफेक्ट होती है। मैंने हाफ लीटर दूध एक स्टोव पर गर्म होने के लिए रख दिया है और हाफ लीटर पानी एक स्टोव पर गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। दूध को गाढ़ा होना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने बहुत लो फ्लेम पर 1 नंबर पर रख दिया है, ताकि ये धीरे धीरे गर्म होगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक ही ओखली में अदरक भी पीसते हैं और हरी मिर्च भी पीसते हैं। इससे क्या होगा, हमारी चाय में हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाएगा। इसीलिए ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने ओखली जो एक साइड होता है ब्लैक मार्कर से लाइन डाल दिया है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 इंच के अदरक के पीसेस को हमें कुचल लेना है। पानी जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब पहले हम इसके अंदर अदरक डाल देंगे। विंटर्स में अदरक ज़रूर यूज़ करना, अदरक से जो है सो गले में जो सोरनेस रहता है वो कम हो जाता है। इसी ओखली में 2 इलायची को पीस लेंगे। इलायची को हम बाद में लास्ट में ऐड करेंगे। और ये पत्ती मेरे पास थोड़ी सी मोटी है, अगर बारीक पत्ती है तो जो 2 स्पून का चमचा होता है ना, ये इससे 3 टीस्पून बस हो जाती है। अगर मोटी है तो 4 टीस्पून लगती है। आप एक बार अगर बनाकर देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितनी पत्ती लगेगी। और शक्कर हम डिकॉशन में ही ऐड करेंगे, ईरानी चाय में शक्कर बाद में नहीं ऐड करते। एक बार इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगा है, इस टाइम पर मैं शक्कर ऐड करूँगी। आप शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना, मैं 4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और इसी में पत्ती भी ऐड करेंगे। अब हमारा पानी बहुत गर्म है, बॉयल हो रहा है, तो हम पत्ती ऐड करने के बाद फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 10 मिनट पकने के बाद आप देखिए इस तरह का हो गया है। अब इसमें इलायची ऐड कर दूंगी मैं। ईरानी चाय में डिकॉशन का और दूध का दोनों का गाढ़ा होना ज़रूरी होता है। अगर एक भी चीज़ पतली रही ना तो इसका फ्लेवर भी नहीं आएगा और लुक भी नहीं आएगा। और ये डिकॉशन अभी पतला है मेरा, तो मैं इसको लो फ्लेम पर और थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। दूध भी गर्म हो रहा है, एक बार हम चेक कर लेंगे, नीचे से लग रहा तो नहीं। 5 मिनट के बाद मैंने फिर से चेक कर लिया है, अब डिकॉशन गाढ़ा हो गया है और दूध भी मेरा गाढ़ा हो गया है। एक बात और याद रखना है कि अब एक हमारा डिकॉशन बन गया है ना, तो इसको पूरा छान लेना है। और इसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी में दूध और पत्ती ऐड कर इसको फिर सेकेंड टाइम चाय बनाते हैं। ऐसा कभी मत करना, इससे क्या होगा, चाय का कलर काला हो जाएगा। तो पहले हम इसको पूरे छान लेंगे और इसको डायरेक्ट कप में नहीं छानना है, तो चाय पत्ती पूरी इधर साइडों में गिर जाती है, तो आप दूसरे बर्तन में या फिर एक केटल में छान लेना। एक कप में डिकॉशन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। अगर किसी को स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डिकॉशन ऐड कर दूध कम कर सकते हैं, या फिर आप यूजुअली तो हाफ कप से आधे कप से थोड़ा ज़्यादा डिकॉशन ऐड कर इसमें ये बड़े चमचे से बस 2 टेबलस्पून दूध ही ऐड करना है। ये परफेक्ट ईरानी चाय बन जाएगी, लेकिन किसी को अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और शक्कर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। बस ये हमारी ईरानी चाय परफेक्ट है, जो टेस्ट में भी अच्छी होती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।